नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 57 के बारे में, जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1917 से। नाम है इसका अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन और एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग देयर टू बिफोर कंट्रोलर। काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ हमें मॉडिफिकेशंस करने होते हैं एप्लीकेशन में जो हमने ऑलरेडी फाइल करके रखी है, तो वहां पर किस तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी सेक्शन नंबर 57 से लेके सेक्शन नंबर 69 तक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन नंबर 57 के बारे में। अगर आप इंडियन पेटेंट एक्ट रूल्स, पेटेंट एजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेटेंट के लिए कोई प्रोफेशनल वे से सोच रहे हैं कि प्रोफेशनली आप पेटेंट को ही अपना करियर बना के चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं आपको पेटेंट के नॉलेज से किस तरीके से अर्निंग भी की जा सकती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई एक एप्लीकेंट या तो पेटेंटी, दोनों में फर्क क्या है। एप्लीकेंट जिसने पहले ही दिन, आज के ही दिन सपोज कोई एप्लीकेशन फाइल की है, उसे एप्लीकेंट कहा जाएगा। फिर एक प्रोसेस रहती है पेटेंट ऑफिस की, अगर उस प्रोसेस में वो पर्सन सफल हुआ तो उसको पेटेंट ग्रांट हो जाएगी। जिस दिन से उस पर्सन को पेटेंट ग्रांट होती है वो बन जाता है पेटेंटी। तो कौन कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है अमेंडमेंट के लिए? कोई भी एप्लीकेंट या फिर पेटेंटी। अगर अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करना है? कंट्रोलर को। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एप्लीकेंट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करे तो अमेंडमेंट ना भी हो। वैसे कौन कौन से केसेस है? कंट्रोलर पास ऑर्डर बिफोर सच एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और रिफ्यूजल, जैसे कि हमने देखा था सेक्शन नंबर 15 से लेके 20 तक, जहां पर सेक्शन नंबर 15 पर्टिकुलरली कह रहा है कि कंट्रोलर कह सकता है एप्लीकेंट को कि आपके स्पेसिफिकेशन में थोड़ी सी खराबी है, उसको ठीक कर लीजिए। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर पहले से ही कंट्रोलर ने दे दिया है तो उस केस में अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट पेटेंटी या फिर एप्लीकेंट नहीं दाखिल करेगा, उसे वो करना ही पड़ेगा। और सेकंड, सूट बिफोर कोर्ट फॉर इंफ्रिंजमेंट और रिवोकेशन ऑफ पेटेंट पेंडिंग। अगर कोई सूट चल रहा है इंफ्रिंजमेंट का कोर्ट के अंदर, इंफ्रिंजमेंट क्या होता है? जब कोई एक पर्सन एप्लीकेंट से पेटेंटी बन जाता है, यानी उसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हो जाती है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को, कोई भी अन्य पर्सन को रोक सकता है पेटेंट का यूज करने से, पेटेंट के वो सेल करने से या पेटेंटेड इन्वेंशन को इंपोर्ट करने से। पेटेंट के इन्वेंशन के बारे में बात हो रही है, यूज करना, सेल करना, इंपोर्ट करना, ये सारी चीजों से रोक सकता है। तो किसी ने ये बात नहीं मानी, बिना पेटेंटी के इजाजत के वो पेटेंट को यूज कर रहा है, उसको फाइल कर रहा है, उसको सेल कर रहा है पेटेंट की इन्वेंशन को, तो वहां पर इंफ्रिंजमेंट सूट होता है। कौन करता है? पेटेंटी। किस पे? जो पर्सन बिना उसकी इजाजत के उसके इन्वेंशन को यूज करता है उस पे। तो इस केस में भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। और रिवोकेशन ऑफ पेटेंट इज पेंडिंग। अगर किसी ने पेटेंट ग्रांट होने के बाद किसी पर्सन इंटरेस्ट ने रिवोकेशन के लिए पेटेंट डाली है, यानी ये पेटेंट ठीक नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट के अंदर अपना एक क्या कहते हैं उसको, पिटीशन डाल दिया है, तो उस केस में भी अमेंडमेंट के लिए वो पेटेंट नहीं जा सकती है। तो इतने केसेस है, इसको छोड़ के अगर कोई केसेस ऐसा नहीं बन रहा है तो पेटेंट अमेंडमेंट के लिए आगे बढ़ सकती है। एप्लीकेंट को क्या करना होगा पेटेंट अमेंड करवाने के लिए? फॉर्म नंबर 13 फाइल करना होगा, फॉर्म नंबर 13 और रूल नंबर 81 ये बता रहा है कि अगर आप फॉर्म नंबर 13 फाइल करेंगे तो उसके अंदर पूछा जाएगा कि क्यों अमेंडमेंट करना है, व्हाई अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड।
एंड वॉट अमेंडमेंट नीड टू बी मेड दैट मस्ट बी क्लियर इन फॉर्म। तो ये जो हम कर रहे हैं ना वो सारी चीजें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर वहां पर हा भी कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 13 फाइल करके करके पेटेंटी या एप्लीकेंट ये बता सकता है कि सर जी हमें अमेंडमेंट क्यों चाहिए, ये रीजन है, हमें अमेंडमेंट चाहिए, और कौन से अमेंडमेंट चाहिए, कहां पर, मीन्स स्पेसिफिकेशन में या फिर ड्राफ्ट में या फिर क्लेम्स में, जहां पर भी हमें चाहिए अमेंडमेंट, वो चीज हमें बतानी पड़ती है। अमेंडमेंट यानी कुछ चीजों को चेंज करना। इफ अमेंडमेंट आफ्टर द ग्रांट, देखिए बिफोर द ग्रांट हो तो चलेगा, अमेंडमेंट के लिए कोई बात नहीं है, बट अगर आफ्टर द ग्रांट है ऑफ द पेटेंट देन इट मे पब्लिश, तो वो पेटेंट वापस पब्लिश होगी क्योंकि वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है जो बाकी के लोगों को नहीं पता है। तो पेटेंट का तो वैसे ग्रीक मीनिंग ही होता है दूसरों को बताना, तो अगर नहीं पता है तो आफ्टर द ग्रांट अगर कोई पेटेंट अमेंड होती है तो उसको पब्लिश किया जाएगा। और कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड, पीआई यानी पर्सन इंटरेस्टेड, जो रिसर्च में, मार्केटिंग में, सेलिंग में, जिस पे भी एप्लीकेशन है या जिस पे भी पेटेंट है उस पे वर्क कर रहा है, तो कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड ऐसे पब्लिकेशन के, जो एप्लीकेशन पब्लिश होगी ना, उससे 3 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 14 फाइल करके ओपोज कर सकता है कि ये अमेंडमेंट नहीं करने देना चाहिए। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उस अमेंडमेंट से इस पर्सन को, जो ये पर्सन इंटरेस्टेड है, उसके प्रोडक्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, उसका प्रोडक्ट जो है वो उस कैटेगरी में आ जाएगा कि जब उसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए पेटेंटी के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस केस में पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 14 फाइल करके 3 महीने के अंदर अंदर ऐसे पब्लिश्ड एप्लीकेशन पे ओपोजिशन कर सकता है। अगर कोई ऐसी ओपोजिशन हुई तो फिर रूल नंबर 57-263 के तहत पहले कंट्रोलर ओपोजिशन को सुनेगा, पेटेंटी को सुनेगा, दोनों को सुन के एक डिसीजन लेगा, डिसीजन के बारे में बताएगा, या तो उस पेटेंट को अमेंड नहीं करने के लिए ऑर्डर देगा या फिर उस पेटेंट को अमेंड करने के लिए ऑर्डर देगा। तो ये सारी चीजें थी सेक्शन नंबर 57 में। आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ मेरे लिए इंप्रूवमेंट्स है तो कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, अगर आपके कोई डाउट्स भी हैं तो प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।